वीर ब्राह्मण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा का प्रथम बार नगर आगमन हुआ। इसी क्रम में वीर ब्राह्मण सेना के तत्वावधान में एक आयोजन गंज बासुदा के सैनी मार्केट सिरन चौराहा पर किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा जी का आगमन हुआ। तत्पश्चात आयोजन के दौरान भगवान परशुराम जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, पूजन अर्चन के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी क्रम में आयोजन के समय एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। उस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि संगठन की स्थापना सन 2008 में की गई, जिसका नाम वीर ब्राह्मण सेना रखा गया। इस संगठन का काम सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का है और बताया कि बिना ब्राह्मणों के हिंदू धर्म की कल्पना करना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है, जो ब्राह्मणों के प्रति अनादर और अपमानजनक बातें की जा रही है, इनको रोकना सरकार का काम है। इन बातों पर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लेकिन ये है कि जो भी हमारे समाज के खिलाफ अपशब्द का यूज करेगा, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों पर वो बैन लगाए। अगर ब्राह्मण नहीं है तो आप हिंदू धर्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाल फिलहाल में ही एक मुख्यमंत्री साहब, उनके पिताजी ने कुछ ऐसा ही कहा है, और ये ऐसी अनर्गल टिप्पणियाँ, ये अशोभनीय है और ये सहनीय नहीं है। कई बार आपने भी देखा होगा कि कोई भी जिसे नेतागिरी में समझना होता है, कोई भी गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर ब्राह्मण को टारगेट कर लेता है, तो ऐसा नहीं चलने वाला। वीर ब्राह्मण सैनिक हैं हम, कोई ये ना समझे कि हम कमजोर हैं। ये समाज सेवी संगठन है, लेकिन नाम ही वीर ब्राह्मण सैनिक है, तो हम सैनिक हैं। सैनिक ना डरता है ना दबता है, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी उनकी। ब्राह्मण जो नेता हैं, बहुत दिख जाते हैं, बहुत ब्राह्मण नेता भी बनते हैं, वो जब तक नेतागिरी में उनका पद नहीं उनको मिल जाता है, जीत नहीं जाती है चुनाव, तब तक वो बहुत समाज के बारे में बात करते हैं। फिर जब एक समय आता है जब समाज को उनकी वास्तव में जरूरत होती है, तो वही उन जैसे सदन है वहाँ जाकर फिर वो धोखा देते हैं समाज को, यही माना जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहिष्कार, नई लीडरशिप आनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप किसी भी कास्ट को देख लो, कोई भी नेता है वो खुल के बोलता है 27% आपका ओबीसी आरक्षण दिया, इतने आपके स्वर्ण कास्ट के सांसद हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ केवल ब्राह्मण ही हैं, काफ़ी स्वर्ण कास्ट के सांसद हैं, लेकिन किसी एक के मुख से भी एक बोल नहीं निकला, सब लोगों ने सिग्नेचर किए। अगर आप हमारी आवाज़ नहीं उठाओगे तो हम आपका विरोध करेंगे, आपका बहिष्कार करेंगे। हम आपके गुलाम नहीं हैं। कोई ये ना सोचे कि हम कोई बधुआ मजदूर हैं, आपके वोटर हैं। नई लीडरशिप आएगी, हम उसका साथ देंगे। जरूरी नहीं है कि हम ब्राह्मण नेता का साथ दें, जो हमारी आवाज उठाएगा वो हमारा है। लानत है ऐसे ब्राह्मणों पे। छत्तीसगढ़ में एक गरिमामय पद है, उनके पिताजी ब्राह्मणों के लिए अपशब्द बोलते हैं। गिरफ्तारी होती है, लेकिन गिरफ्तारी का आप सबको मालूम है क्या गिरफ्तारी है उसमें, कौन सा जेल है वो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।